अनलॉक के बाद तैयार हो गए हैं अक्षय कुमार अपने मिशन के लिए। जी हां, आज से 5 दिन बाद यानी 15 जून के बाद से अक्षय शुरू करने वाले हैं अपनी रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग और इसकी शुरुआत अक्षय कर रहे हैं अपनी फिल्म रक्षाबंधन के साथ। जी हां, अक्षय कुमार फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग को 18 जून के स्लॉट में शुरू कर रहे हैं। फिल्म का सेट मुंबई के फिल्म सिटी में लगा हुआ है। ये सेट मुंबई के एक चौल का माना जा रहा है। इससे पहले जीरो के टाइम पर भी आनंद एल रॉय ने मेरठ को फिल्म सिटी में रिक्रिएट कर दिया था और रक्षाबंधन के लिए फिल्म सिटी में 40 दिनों का स्केड्यूल रखा गया है। यानी अक्षय कुमार फाइनली कोरोना खत्म होने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले ऐसी चर्चा थी कि फिल्म एक्ट्रेस भूमि पटनेकर की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन अब अक्षय ने अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है कि फिल्म रक्षाबंधन में भूमि पटनेकर की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन में भूमि की एंट्री से फैंस काफी खुश हैं कि एक बार फिर उन्हें अक्षय और भूमि की जोड़ी ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी। इससे पहले अक्षय और भूमि फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ नजर आ चुके हैं। ऐसे रक्षाबंधन का ऐलान पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर ही हुआ था। फिल्म की कहानी भाई बहन के रिश्तों के इर्द गिर्द बुनी गई है और इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल रॉय कर रहे हैं। जाहिर है कि एक और अक्षय जहां कुछ वक्त पहले तक फिल्म राम सेतु की शूटिंग में बिजी थे, तो दूसरी ओर वो फिल्म अतरंगी रे का शूट पूरा कर चुके हैं। अतरंगी रे में उनके साथ सारा अली खान और धनुष नजर आएंगे। इसके अलावा अक्षय की सूर्यवंशी भी रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन कोविड के चलते इसकी रिलीज फंसी पड़ी है। और इन सभी फिल्मों के साथ ही अक्षय के पास पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, राम सेतु और बेल बॉटम भी है। यानी फुल स्विंग से अक्षय अब अपनी फिल्मों की शूटिंग निपटाने और उन्हें रिलीज करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। तब तक आप बताइए कि रक्षाबंधन में एक बार फिर अक्षय और भूमि की जोड़ी को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।